लास्ट बायोलॉजी की क्लास है ये आपकी। लास्ट टाइम हमने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि तीन टाइप की जिस स्पीसीज है वो अलग अलग टाइप से कौन कौन सी टाइप्स की होती है, किस किस स्पीसीज पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज कैसे काउंट की जाती है, एक तो जीन्स के बेसिस पे होती है, जीन्स की वजह से, जीन्स के चेंजेस होने की वजह से अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी स्पीसीज पाई जाती है, स्पीसीज की वजह से होती है। अलग अलग टाइप की स्पीसीज देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सेम टाइप की स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, सेम टाइप की स्पीसीज कौन सी है, या हम ये देखते हैं कि टोटल इंडिविजुअल स्पीसीज कौन सी है। थर्ड है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बेसिस पे कौन कौन सी स्पीसीज आती है। ठीक है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये वैसे तो हमने पढ़ लिया था, बट अगेन मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट है ये किसने दिया है, टोटलिटी ऑफ जीन्स, टोटली जीन्स के बेसिस पे जो स्पीसीज स्पीसीज होती है जो अलग अलग टाइप की, ये ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल प्लेसेस पे टोटल स्पीसीज कितनी है ये देखा जाता है, इवननेस देखी जाती है स्पीसीज की, इकोसिस्टम के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, ये किसने दिया है ये कंसेप्ट, एडवर्ड विल्सन ने दिया बेटा, एडवर्ड विल्सन ने ये कंसेप्ट दिया है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, फर्स्ट है जेनेटिक, जेनेटिक कौन सी होती है, जेनेटिक में उसने बताया कि जीन्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जेनेटिकली यूनिफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन में, ठीक है, ताकि डिसीजेस से बचाया जा सके। ठीक, क्योंकि हमें पता है कोई ना कोई जो स्पीसीज है वो किसी ना किसी पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से उसने बोला कि डाइवर्सिटी होनी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है नीचे, ये तो अमाउंट है बेटा, नेक्स्ट 50,000 कौन कौन से अवल से अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, मैंगोज होते हैं उनकी अलग अलग टाइप की टाइप्स पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्पीसीज, स्पीसीज सेकंड टाइप को देखने के लिए, सेकंड लेवल पे देखने के लिए इसमें दो पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट है कि कौन सी स्पीसीज, एक तो होता है इसमें कि टोटल स्पीसीज कितनी है एक स्पेसिफिक प्लेस पे टोटल स्पीसीज काउंट की जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें बेटा कि इसमें देखते हैं स्पीसीज इवननेस, इसका मतलब है कि सेम टाइप की स्पीसीज उस प्लेस पे कितनी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल्स स्पीसीज देखते हैं इकोसिस्टम के बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट पे देखते हैं ना हम, जैसे सपोज हम कहीं पे जाते हैं तो अलग अलग टाइप की जो प्लेसेस होती है, ठीक है, वो अलग अलग चीज के लिए फेमस होती है, अलग अलग स्पीसीज के लिए जो वहां पे ज्यादा होती है उस स्पीसीज के लिए वो फेमस होती है। तो इसमें बताया गया कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो एम्फीबियंस के लिए फेमस है, एम्फीबियंस जो स्पीसीज होती है एम्फीबियंस वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, वो वेस्टर्न घाट्स पे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसके लिए बेटा ये तो एम्फीबियंस, तो पता है आपको क्या होते हैं एम्फीबियंस, जो पानी में भी पाए जाते हैं, जो लैंड पे भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, लैंड वाले एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, उनको एम्फीबियन स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकली देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब अपना इंडिया, ठीक है, वो के उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी से काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, मेडोज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वेटलैंड्स, काफी कुछ पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बताया गया। उसके बाद है ग्लोबल डाइवर्सिटी के बेसिस पे देखते हैं, तो एक IUCN जो बनाता है, एक लिस्ट बनाता है कि कितनी कितनी स्पीसीज कौन सी है, प्लांट स्पीसीज इतनी है, एनिमल स्पीसीज इतनी है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग जो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है इज अबाउट 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन जो स्पीसीज है। ठीक है, ग्लोबल पे भी इसने बताया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये स्पीसीज की अमाउंट भी बताई हुई है, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज जो हमने पढ़ ली थी बेटा पहले भी। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी बताया गया, उसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितनी ज्यादा स्पीसीज है। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें कुछ पाए जाते हैं, देखो ये टैक्सा बनाए जाते हैं। ठीक है, कि कितने अमाउंट ऑफ कौन कौन सी स्पीसीज की है। इसमें हमने पढ़ा था कि एक जो विद बोन होते हैं उनके लिए अलग से बनाया जाता है, जो विदाउट बोन्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, विदाउट बोन्स के लिए इंसेक्ट्स आ गए इसमें, मोलेसिस आ गए। ठीक है, तो ये विदाउट बोन्स, इसमें बोन विदाउट बैकबोन होते हैं जो। ठीक है, उसके बाद जो विद बैकबोन होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिशीज होगी, मेमल्स। ठीक है, ये विद बैकबोन आते हैं। ठीक है, वर्टेब्रेट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट आगे प्लांट्स है, प्लांट स्पीसीज कौन कौन सी कितनी अमाउंट ऑफ है। ठीक
ठीक है, इससे हमें इस पाई चार्ट से, स्टैक्सर से हमें ये शो हो जाता है कि कौन सी अमाउंट कितनी है, ठीक है, एल्डर कितने हैं, फंजाई कितने हैं, ठीक है, मॉसिस कितने हैं, ठीक है, तो ये कुछ हमें पता चल जाता है बेटा उसके बाद। बट ये जो इसने कंसेप्ट दिया है, जो टैक्सेस बनाए हैं, ठीक है, बट ये कुछ ही स्पीसीज के लिए वैलिड थे, कुछ ही स्पीसीज के लिए हेल्प को देखने के लिए ही हेल्पफुल थे किसी किसी कंसेप्ट में। बट जो होते हैं सिंगल सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, उनके केस में ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, एक सही मेथड नहीं है, बिकॉज उनके कल्चर का हमें लैब कंडीशंस में पता नहीं चलता, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल टेक्निक्स का ही यूज किया जाता है इस टाइप की दवाई के लिए। अमाउंट है कितनी मिलियंस में है, ठीक है, कितनी कितनी स्पीसीज उसमें पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा इंडिया के बेसिस पे बताएगी, इंडिया में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आगे अमाउंट की बताएगी अभी, तक लैंड बताएगी, ग्लोबल स्पीसीज बताएगी ये कितनी है, उसके बाद नेक्स्ट है 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की बताएगी, अबाउट 90,000 to 1 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बताई गई है इंडिया में, ये स्पीसीज आप पढ़ लेना बेटा कितनी कितनी कौन कौन सी स्पीसीज है। नेक्स्ट न्यू स्पीसीज एंड ये टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, इसमें क्या क्या देखा जाता है, देखो जो पहले वाली एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो काउंट की जाती है, लास्ट भी साल की IUCN के अकॉर्डिंग बेटा एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, या जो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है अलग अलग टाइप की स्पीसीज कितनी है वो काउंट की जाती है। इसके अलावा क्या काउंट किया जाता है, जो न्यू स्पीसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं उस लिस्ट में वो भी काउंट की जाती है, वो बताई जाती है, ठीक है, जो अभी अभी डिस्कवर्ड हुई है उनके नेम दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक ग्लोबल एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितनी टाइप ऑफ टोटल स्पीसीज हैं, उनमें से प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कितनी है। तो इंडिया में बताया गया है 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 2 लाख स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स टू बी डिस्कवर्ड, एंड जो अभी बेटा अभी अभी डिस्कवर्ड हुई है उनकी अमाउंट इनमें बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पोल्स पे, इसमें बताया गया कि कौन से पैटर्न बायोडाइवर्सिटी बताई गई है, इसमें पहले लैटिट्यूडनल आएगा, इसमें देखते हैं हम कि पोल्स पे स्पीसीज कितनी होती है, ठीक है, स्पीसीज कितनी होती है, ठीक है, स्पीसीज नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अलग अलग यहाँ पे जो अब देखो जो यहाँ पे बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी स्पीसीज कम होती है, इसके पोल्स पे भी स्पीसीज शिफ्ट, देखे ना जब ठंड हो जाती है तो वहां से स्पीसीज को शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ठीक है, तो वहां पे स्पीसीज कम हो जाती है, बट कहाँ पे ज्यादा होती है इसके लिए अलग अलग कैटेगरी की एग्जाम्पल दी गई है, देखो कोलंबिया है वहाँ पे 1400 बर्ड स्पीसीज है, इंडिया है, ठीक है, 1200 स्पीसीज भी है, यहाँ पे 105 स्पीसीज है, ठीक है, तो जो ये वाले पोल्स है, ठीक है, वहाँ पे 56 स्पीसीज है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जहाँ पे लैंड होती है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज काफी ज्यादा पाई जाती है, तो क्यों होता है ऐसे, ये चीज कैसे बताई गई है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में क्या होता है कि वहाँ पे काफी सालों तक ना बेटा कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, कोई भी स्पीसीज वहाँ से मूव नहीं होती, काफी टाइम तक वही सिस्टम चलता जाता है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ के अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें वहीं की कंडीशन ही अच्छी लगती है, तो दैट मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ऐसे नहीं कि इंसानों की होगी, ठीक है, तो वैसे इनकी जो स्पीसीज है, ठीक है, वो भी बढ़ती है, एनिमल प्लांट एनिमल स्पीसीज होगी, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी इसके अलावा यहाँ पे जो चीजें जो कंडीशंस उनको चाहिए होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है उनको, ठीक है, लेस सीजनल होते हैं बिकॉज, ठीक है, लेस सीजनल मतलब कि सीजन के साथ साथ चेंज होने पे वो अपनी जगह को नहीं बदलते, ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है बायोलॉजिकल, ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद स्पीसीज देख लिया हमने,
प्लेस पे कितनी कितनी स्पीसीज है, कैसे कैसे उसने आइडिया लगाया है, ठीक है, इसके लिए जो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था इसने क्या दिया, इसने बताया कि स्पीसीज पहले तो टोटल काउंट कितनी की जाती है स्पीसीज एक स्पेसिफिक प्लेस पे, ठीक है, हैबिटेट देखा जाता है, हैबिटेट क्या होती है, प्लेस होती है जो उनके लिए अनुकूल मानी जाती है, जहाँ पे उनको स्पीसीज को एक सही टाइप की जो कंडीशंस है वो मिल सकती है, ठीक है। तो वहां पे बेटा उसने क्या किया, इसने एक टर्म दी है, यहाँ पे एक इक्वेशन बताई है, कैसे बताई है, ये देखो प्लेस एक इक्वेशन दे दी है, लोग लोग वाली लोग ऐसे वाली एक इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का ही पॉइंट है। इसमें हमने दो चीजें काउंट की थी, एक तो स्पीसीज कितनी ज्यादा होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे, इसके अलावा हमने स्पीसीज इवननेस काउंट की थी, ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज जिसकी वजह से वो जगह फेमस हो जाती है, ठीक है, इवन स्पीसीज कितनी है वो देखा था, ठीक है। उसके बाद बेटा इसको कैसे काउंट किया जाता है, सपोज हमने स्पीसीज का आइडिया लगाना है, तो इस इक्वेशन से लगाएंगे हम, लोग एस इज इक्वल टू लोग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है, तो एस क्या है यहाँ पे स्पीसीज टोटल कितनी है, उसके बाद ये स्पेसिफिक जो प्लेस है वहाँ का ये कितना है, उसके बाद नेक्स्ट है सी, सी जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं ना, एक इक्वेशन बनाते हो आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वहाँ से निकाला ये एम एक्स प्लस सी जो सी का है वाई इंटरसेप्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो जेड है, जेड स्लोप आती है, स्लोप को पता है हमें कैसे निकालते हैं, सपोज एक यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है, तो ये ऐसे स्लोप निकालते हैं, ठीक है, ये वाली देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन होती है कैसे लिखते हो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाला सी लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट देखो जेड, जेड क्या है स्लोप, ये भी निकाल लोगे आप, ये भी हमें पता चल जाएगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखो एस की वैल्यू पता है स्पीसीज टोटल कितनी है, ये भी पता चल जाएगा, ए की वैल्यू पता चल जाएगी, सी पता है, जेड जेड भी पता चल गया हमें स्लोप ऑफ द लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट ये अलग अलग टाइप की बेटा लिमिट्स नहीं हुई है कि कहाँ कहाँ तक लाइन होती है, 0.1 0.2 तक, ठीक है, क्या आएगा, 0.6 से लेके 1.2 तक क्या आएगा, 1.15 तक क्या आएंगे, मेंबर्स आएंगे क्या आएंगे, ठीक है, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है, ये वैल्यूज एज इट इज निकाल के लिखी है, ठीक है, इनको पढ़ लेना बेटा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसने एक इक्वेशन को ही डिफाइन किया था जिससे हमें स्पीसीज का हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कितने प्लेस पे या कौन कौन सी स्पीसीज है वहाँ पे, कितने अमाउंट ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, तो ये एक प्लॉट बना के उसने ऐसे आइडिया लगाया था जिसकी वजह से कैलकुलेट हो सकता है ये। तो इसमें कोई भी एक अननोन एलिमेंट होगा, बाकी के नोन होंगे, उससे वो निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से जो डेविड टिलमैन का कंसेप्ट है, डेविड टिलमैन ने क्या दिया वो